Welcome everybody. मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है Defeating Arthritis the Scientific Way. जी हां, हम कह रहे हैं Defeating Arthritis, जिसका मतलब है कि जोड़ों के दर्द को मात देना मुमकिन है. हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका मानना है, कहना है, इनफैक्ट जिन्होंने प्रूव कर दिखाया है कि जोड़ों के दर्द को मात हम दे सकते हैं, क्योंकि उनकी सालों की कड़ी तपस्या और मेहनत इस बात का सबूत है. मैं बात कर रही हूं देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी की. डॉक्टर जी, वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं. डॉक्टर जी ने 12 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है. आपने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है. चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर जी को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है. आपने आर्थराइटिस जैसी समस्या की गंभीरता को समझा और 16 सालों से भी ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीस और जेन आर्थ्रो जैसे प्रोडक्ट्स. डॉक्टर जी के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है. और आज डॉक्टर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं. डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच अंकिता जी. वेल दोस्तों, आप जानते हैं कि ये वो मौका है जहां आप घर बैठे डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं. अगर आपके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको डॉक्टर जी से मिल सकते हैं. फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए एंड आई विल कनेक्ट यू टू डॉक्टर जी. चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड और जानते हैं डॉक्टर जी से कि आज की लाइफस्टाइल क्लास में वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं. तो दोस्तों, आज की डॉक्टर जी लाइफस्टाइल क्लास के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से घुटने को स्ट्रेंथन, यानी कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. और इस एक्सरसाइज को कहते हैं आइसोमेट्रिक हील प्रेस. प्रोसेस बड़ा सिंपल है, कहीं पे भी कर सकते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के, सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर, या चाहें तो अपने कार की सीट के ऊपर. एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठ जाएं और याद रखें हमेशा कि आपकी बैक सीधी रहे, उसको टेढ़ा ना करें, गोल ना करें, नहीं तो बैक की या सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जब अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे उसके बाद अपने सारे पैर का जो जोर है वो अपनी एड़ी के ऊपर, यानी कि हील के ऊपर डालें और इमेजिन करें कि अपनी एड़ी के नीचे आप एक अखरोट को मसलना चाहते हैं या कुचलना चाहते हैं. जब उस पोजीशन में आ जाएं, उसको जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकें उसको होल्ड करें. जब आप उस अखरोट को मसल रहे होंगे उस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि आपकी थाई की जो मसल्स हैं वो टाइट होती जा रही हैं. इसको 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक होल्ड करें तो बहुत अच्छा रहेगा. जब थक जाएं उसको रिलैक्स करें. उसके बाद दूसरे पैर के साथ इसी तरीके से एक्सरसाइज करें और इस प्रोसेस को कम से कम 10 से 20 बार फॉलो करें. अगर आपके पास समय है और आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है या हमने आपको रेस्ट रेकमेंड किया है 3 महीने के लिए, उस कंडीशन के अंदर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को दिन में 4 से 6 बार फॉलो करें. डॉक्टर जी, आप सुन ही सकते हैं फोन की घंटी बजना शुरू हो चुकी है. लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल. जी बिल्कुल. हेलो. हेलो, नमस्कार. डिफीटिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है. थैंक यू मैडम जी. आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं रामदयाल ठाकुर बोल रहा हूँ, पंचकुला से बोल रहे हैं. रामदयाल जी, किस लिए आपने याद किया? कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपकी ये डेढ़ साल से ले रहा हूँ. मैं 62 साल की हुई. आपकी उम्र 62 साल है? हाँ, 14 में मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि घुटनों में जी, जैसे मेरे घुटने लोड नहीं ले रहे, सैर करना मेरा बंद हो गया था. जी जी. एक कड़क कड़क की आवाज आती थी उसमें जब टांगे सीधी करते थे. अच्छा जी. और पौड़ियों में चढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत आने लग गई. जी. तो मैंने सैर सूर तो बंद कर दी. फिर मैंने डेढ़ साल से आपका ये जनार्थो वगैरह पाउडर भी लिया और ये टेबलेट भी लिए.
जी, और आर्थराइटिस भी लिया, और आपने साइकिलिंग शुरू करी? साइकिलिंग साइकिलिंग में ले आया, घर रख ली मैंने, ले आया जी। कितनी देर साइकिलिंग करते हैं आप? बस जब भी दिन में टाइम लगता है, जब थक, 15-20 मिनट सुबह शाम कर ली। वेरी गुड, उसको आप 30-30 मिनट कर लीजिए, वो सबसे ऑप्टिमम रहेगी। और मसल्स को थोड़ा टाइट कीजिए, और जब आपकी कटकट बंद हो जाए उसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा, फूड सप्लीमेंट्स को। और हर साल अब कम से कम सप्लीमेंट, अब डेढ़ साल तो हो गया, मैं अब एक टेबलेट ले रहा हूँ, क्या मैं आप और लूँ फिर? अच्छा, एक मेंटेनेंस आपको और लेने की जरूरत नहीं है, आप मेंटेनेंस की भी ले सकते हैं, चिंता मत कीजिए। साइकिलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप पहुंच चुके हैं मेरे हिसाब से 100%, लेकिन आप कटकट जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं पहुंचेंगे। तो साइकिलिंग पे ध्यान दी, एनर्जी तो 4-5 महीने में काफी आ गई थी, जैसे ऐसे लगा जैसे एनर्जी आ गई बॉडी में। अच्छा जी, चलिए अपना ख्याल रखिएगा रामदयाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं डिफीटिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बोला था कि आपकी सर्जरी हो पक्का है, फिर मैंने ये सर्जरी मैं नहीं कराना चाहती थी, और मैंने ये उनकी डॉक्टर गौरव शर्मा की दवाई खाई, और उससे मुझे 3 महीने में बिल्कुल पूरा आराम हो गया। और अब मैं मेडिसिन भी बंद कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर गौरव शर्मा ने कहा कि अब आप बंद करके 1 साल में एक बार एक कोर्स कर लीजिएगा। अगर आप भी आर्थराइटिस को डिफीट करना चाहते हैं और चाहते हैं पेन फ्री हेल्दी लाइफ, तो हमारे आर्थराइटिस हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। डॉक्टर जी और डॉक्टर जी वेलनेस की पूरी टीम आपकी मदद के लिए 24/7 तैयार है, तो अभी कॉल करें। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, अपनी कहानी उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, जब बात आती है पेन किलर्स की या फिर हड्डियों में जोड़ों में दर्द की, तो पेशेंट्स जो हैं स्टेरॉइड से दूर भागते हैं। सब ने स्टेरॉइड्स के इल इफेक्ट्स के बारे में सुना हुआ है, और जो भी नई ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस की जाती है मार्केट में, सबसे पहला सवाल कंज्यूमर्स का होता है कि इसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक क्लैरिफिकेशन कि जिस तरह का ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं उसमें डेफिनेटली स्टेरॉइड्स नहीं है, ये नेचुरल है, और किस तरह से ये वर्क करता है? ये इस क्वेश्चन को हम कई बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर से आज इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, घुटने जी की मदद लूंगा फिर से, और घुटने जी से बात करते हुए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम आपके प्रोसेस के अंदर आपको जीत दिला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि जब ये कार्टिलेज जो नीले रंग का दिख रहा है घिसना शुरू हो जाता है, तो हड्डी से हड्डी टकरानी शुरू होती है, और वहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा स्वेलिंग, और ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती है। लोग नज़रअंदाज करते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, दर्द को दबाते हैं, ब्रेन में फील नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो डैमेज हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, अंदरूनी सूजन हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम आर्थराइट प्लस और जनार्थ्रो देते हैं। उसके साथ साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस जॉइंट के अंदर स्पेस बना सकें, क्योंकि हम रीजनरेशन कर सकें, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जनार्थ्रो का रोल है, और उसके लिए हमें मसल्स को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस टेंडन से जुड़ती है आपकी क्वाड्रिसेप मसल, जो कि ऊपर इसको खींचना शुरू करती है। जब इसको खींचना शुरू करती है तो जॉइंट के अंदर आप जैसे कि देख रहे हैं स्पेस बननी शुरू हो जाती है। ज़ोर से मुझे नहीं खींचना ही, नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे घुटने जी के। तो जब ये स्पेस बनती है, वहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, स्ट्राइस के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। और जब इस प्रोसेस से आप पूरा आगे बढ़ते हैं, तो जॉइंट के अंदर सूजन भी कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, रीजनरेशन होती है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग आती है, और धीरे धीरे आप पेन फ्री हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस डॉक्टर जी। और आपके एक व्यूअर हैं जो आपसे बात करने के लिए बहुत टाइम से लाइन होल्ड कर रहे हैं, लेट्स टेक हिज कॉल। जी बिल्कुल, हेलो। हेलो बेटा। नमस्कार, डिफीटिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। हाँ बेटा जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं तो दिल्ली से बात कर रही हूँ, कनक घोषाल नाम है। कनक जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं तो 7 दिन से बैठी हूँ फोन के पास। अच्छा जी, 7 दिन से बैठे हैं आप फोन के पास? रोज बैठे रहती हूँ बाहर। आप तो बहुत ही फोकस्ड हैं, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली हैं, तो क्यों बात करना चाहती थी आप हमसे? मेरे को दिसंबर महीने से डॉक्टर साहब बहुत पेन होने लगा खड़े होने से। अच्छा जी। और चलती थी तो बहुत बढ़ जाता था जी। तो फिर और एक ही पैर में था मेरे। अच्छा जी। तो दूसरे पैर में भी शुरू हो गया दिसंबर महीने से। अच्छा जी। फिर दोनों पैर बहुत पेन करने लगा, साथ में मेरा शोल्डर में भी दर्द होने लगा। अच्छा जी, शोल्डर में भी दर्द होने लगा। उसके बाद शोल्डर में भी, तो फिर मैं
साइकिल शुरू कर दी थोड़ा थोड़ा. वेरी गुड. उसके बाद मेरे को थोड़ा ताकत अरे आया पैर में जी. फिर मैं साइकिल बंद नहीं की जी. मगर मैं सूजी मंगाती हूँ जो वो इतना खराब दे रहे हैं मेरे को, मेरा थोड़ा भी पेन कम नहीं होता उससे. अच्छा जी, यानी कि आपकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि आपको सूजी से भी आराम नहीं मिलता. वो सूजी शायद वो माइल्ड वाला है. माइल्ड वाला है सूजी. हाँ, माइल्ड मेरे को नहीं हो रहा. तो मेरे पास पुराना थोड़ा एक डब्बे में था. अच्छा, एक बॉटल में वो लगाई तो पेन कम हुआ जी. देखिए, उसको हमको थोड़ा माइल्ड करना पड़ा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हो गया था. हाँ. और लोगों को कुछ बर्न्स भी हो रहे थे. अच्छा. इसलिए आप उसको लगातार थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी लगाएं. अच्छा. और अगर कम पड़ जाता है तो हमसे बात कीजिए, हम और आपको और भेजेंगे. लेकिन क्या आप जेन आर्थ्रो और आर्थराइट प्लस भी लेते हैं? वो भी ले रही हूं. थोड़ा वेट कम हो गया था और मुंह भी बहुत जो देखता था वो इतना दुबली क्यों हो जा रही. अच्छा, मगर मेरे को आराम हो रहा था जी. तो फिर मैं वो सैचेज मेरे को बोले 2 साल से ले रहा है वो बंद कर दो. क्या बंद कर दो? वो दो जो ये टैबलेट नहीं, वो दूसरा वाला जो वो है जेन आर्थ्रो. जेन आर्थ्रो. अच्छा जी. तो उसको तो मैं नहीं बंद करी हूँ कि आपसे एक बार पूछ लूँ जी. उसको बंद मत करिए जब तक आप 100% पे नहीं पहुँचते. अच्छा. साइकिलिंग करते रहें. हाँ. अपनी मसल्स को स्ट्रांग रखें. घुटने से ऊपर वाली मसल स्ट्रांग होनी चाहिए. सूजन तो नहीं है घुटने में अभी? नहीं, जरा भी सूजन नहीं. वो आपका एक्सरसाइज से मैं बिल्कुल ठीक. मैं तो पहले पतीला नहीं उठा सकती थी दूध का, अब 2-2 किलो मैं एक हाथ से उठा रही हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड कड़क जी. बहुत मजा आया आपसे बात करके. ख्याल रखिएगा अपना और सारे पश्चिमी डॉक्टर. बहुत ही बिल्कुल भगवान का काम कर रहे हैं आप. नहीं, भगवान तो हम सब में, सब भगवान का ही काम कर रहे हैं. कोई इतना बढ़िया बनाए हैं डॉक्टर, जो खा रहे वो ही ताकत वाला हो रहा है. वेरी गुड. तो देखिए, ऊपर वाला जिसके ऊपर आशीर्वाद डाल देता है तो हमारी जैसी छोटी मोटी चीजें भी ताकत डाल जाती है लोगों में. बहुत बड़ा चीज है डॉक्टर. चलिए, मैं तो हमेशा रहती थी, अब तो मैं सब जगह जा सकता. दरवाजा खोलने, गेट के पास ड्राइवर को चाबी लेने, पहले तो उठ नहीं सकती थी. अच्छा जी, वेरी गुड. बड़े एक्टिव हो गए हैं आप कड़क जी. मुझे आपकी जो एनर्जी, आप क्या किराए पे भी देती हैं किसी को? आपके दवाई से. फैंटास्टिक. मेडिसिन से आपके. तो दीजिए थोड़ा सा और लोगों को, किराए पे नहीं तो बांटने शुरू कीजिए. आपके पास बहुत एनर्जी है. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू. ख्याल रखिए अपना और सभी पश्चिम बिहारियों को नमस्कार कहिएगा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस कनेक्ट. थैंक यू. जब से ये सप्लीमेंट्स यूज किए तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चलने के काबिल हो गई और काम भी करने लग गई. और जब तक 90% तो मेरे को रिलीफ है इससे. सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर जी द्वारा तैयार आर्थराइटिस को डिफीट करने वाले फूड सप्लीमेंट्स आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो को मंगवाने और आर्थराइटिस को डिफीट करने के बारे में जानने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें. हमारा आर्थराइटिस हेल्पलाइन नंबर है 0111-6611-4122. दोस्तों, आप भी डॉक्टर जी को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी बन सकते हैं. तब डॉक्टर जी आपसे मिलेंगे आपके शहर में, आपको सिखाएंगे कैसे करना है, क्या करना है. अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो देर किस बात की है. कॉन्टैक्ट कीजिए, पूछिए कि कब, किस वक्त, कौन से दिन आपके शहर में डॉक्टर जी आने वाले हैं. या फिर आज और अभी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और मैं आपकी बात कराऊँगी डॉक्टर जी से. डॉक्टर जी, अब भी कुछ समय बाकी है तो एक कॉल और ले लेते हैं. जी बिल्कुल. हेलो. हेलो. नमस्कार, डिफीटिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है. थैंक यू. जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रहे हैं. मैं मुकेश गुप्ता, चंडीगढ़ मैडम. तो मुकेश जी, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आप? डॉक्टर, थोड़ा नी का प्रॉब्लम था एक साल से ना. जी. नी में पहले तो राइट में था जी, और अभी लेफ्ट में भी है. आपकी क्या उम्र है मुकेश जी? 56 है आपकी उम्र. हाँ, और हाँ, आपको किस समय दर्द होता है? उठते, बैठते, तो चलते, फिरते, चलने में ज्यादा देर खड़े रहते हैं? हाँ, ज्यादा देर खड़ा रहते हैं, चलने में भी होता है. घुटने में सूजन तो नहीं है आपको? थोड़ा थोड़ा कभी हो जाता है. कभी कभी हो जाता है जब ज्यादा चल लेते हैं या ज्यादा खड़े हो जाते हैं, तभी हो जाता है जी. तो अब आपने सबसे पहले एक काम करना है कि आप मुझे जानना चाहते हैं कि क्या मदद कर सकते हैं आपकी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो आपका केस बड़ा सिंपल है, उसके लिए आपको सबसे पहले
अपने घुटने से सूजन हटाना जरूरी है इससे पहले कि आप अपनी वॉक पर जाएं या दूसरे काम करने शुरू करें। उसके लिए आपने सबसे पहले सूजीस का स्प्रे करना, उसको ऑयल में मिला के लगाएं या डायरेक्टली लगाएं। अच्छा, उसको स्प्रे कीजिएगा, वो वहां पर बाहर की जो सूजन है उसको कम करेगा और साथ साथ आपको पेन में रिलीफ देगा। उसको जब आप स्प्रे करें उसके बाद एक क्रेप बैंडेज बांधे और उसके बाद लेट जाइए और अपनी एड़ी के नीचे 3-4 तकिए रख लीजिए। उसके बाद बर्फ की थैली के अंदर किसी को कह के बर्फ ले लीजिए और करीब आधा घंटा इस तरीके से लेटे रहिए। उसके बाद उठेंगे, थोड़े से घुटने के एक्सरसाइज कीजिए जो हम आपको चार्ट के साथ भेजेंगे, उनको करना बहुत जरूरी है क्योंकि मसल को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। उसके साथ साथ एक स्टेशनरी साइकिल रखिए घर पे क्योंकि मसल्स जब कमजोर हो जाती हैं तो घुटने के ऊपर दर्द आना शुरू होता है। उसके साथ साथ आपने आर्थराइट प्लस के 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम को, और जेन आर्थ्रो का जो पाउडर है उसको 1 बार दिन में दूध के साथ मिलाकर लेना है। इससे आप हफ्ते भर में ही 10 दिन में काफी इंप्रूवमेंट देखनी शुरू करेंगे और इसके बाद इस प्रोसेस को करीब 6 महीने तक करिए जब तक आपको 100% रिजल्ट ना मिल जाए। और उसके बाद हर साल इसका 3-6 महीने का कोर्स कीजिए। कंडीशन बड़ी सिंपल है, आपका केस बहुत सिंपल है, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो ख्याल रखिए अपना मुकेश जी, जब रिजल्ट्स मिले तो हमें बताइएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब दर्द हो तो बॉडी की आवाज सुने, दर्द के साथ चलते फिरते ना रहें, दर्द के साथ खड़े ना रहें, और अगर दर्द है तो पेन किलर खा के उस दर्द को ना दबाएं। ये बेसिक्स हैं, ये सभी पेशेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप अभी काम कर रहे हैं। आपने हमसे एक ब्रेड के बारे में कहा, एक कैंडी के बारे में कहा, इन सब के अलावा और क्या है जिसका इंतज़ार हमें है? वेल, बच्चों को कौन बोले कि पास्ता नहीं खाना, स्पगेटी नहीं खाना, मकरोनी नहीं खाना, या ब्रेड नहीं खाना, या पिज्ज़ा नहीं खाना। हमने ये सारी चीज़ें बना डाली हैं, पिज्ज़ा बेस पास्ता, और मेरा बेटा उसको सेकंड्स में साफ करता है उस प्लेट को। देखने वाला माहौल होता है किस तरीके से उसको खा जाता है, उसको स्वाद बड़ा अच्छा आता है। ना उसमें गेहूं है, ना उसमें कोई एलर्जी, उसमें स्वाद है, न्यूट्रिशन है, और जो नॉर्मल पास्ता होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रोटीन है उसके अंदर। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं तो हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन है शॉर्ट सप्लाई, इसलिए एडवांस में बुकिंग करते रहिए, हमारी टीम से बातें करते रहिए। कब ये चीज़ें आएंगी, कब ये गायब हो जाएंगी, क्योंकि नेचुरल है, सेफ है, सप्लाई की हमेशा लिमिट रहती है, यानी कि हमेशा कमी रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टॉक कम ना हो, ख़त्म ना हो, लेकिन ज़िंदगी एक चैलेंजिंग चीज़ है, तो हमेशा स्टॉक करके रखें, हमेशा एडवांस में बुक करें और हमेशा ये चीज़ें इन्जॉय करें जो आप ही के लिए हम बना रहे हैं। डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। डॉक्टर गौरव शर्मा जी का प्रोग्राम देखा तो उनकी बताई हुई सप्लीमेंट हमने भी मंगवाई, तो उससे मुझे बहुत आराम मिला। मेरे अब घुटनों में भी थोड़ी अकड़न कम है, 60-70% मुझे आराम है, और बाजू भी मेरा एकदम थोड़ा अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे है। आप भी अपनी आर्थराइटिस को डिफीट कर सकते हैं डॉक्टर जी और इनकी पूरी टीम से जुड़कर। हमारा नंबर है 0111-6611-4122। हमारी ईमेल आईडी है at dr.gwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं और आप हमसे Facebook, Twitter और Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे हमारे फूड सप्लीमेंट्स, आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो, और जॉइंट पेन केयर के लिए डाइट प्लान, हेल्दी रेसिपीज और एक्सरसाइज प्लान। इसके अलावा हमारे फिजियोथेरेपिस्ट्स 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो मंगाकर पा सकते हैं विश्वास दर्द रहित जिंदगी का और जज्बा अपने आर्थराइटिस को डिफीट करने का। इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। If arthritis and other joint problems is causing pain, learn how to defeat arthritis scientifically. Subscribe to Dr. G Wellness YouTube channel.